गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट सेवन्थ स्टैंडर्ड नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेज से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन दैट कॉल नाउन। इन नाउन फ्रेजेस इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो, नाउन सिंगल होती है, सिंगल वर्ड होता है, और नाउन फ्रेजेस क्या हो गया, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है। इन ए सेंटेंस दैट एक्ट्स लाइक ए नाउन, जो नाउन के रूप में काम करें। फॉर एग्जाम्पल, You could say I met Shalini. Shalini से मिला, Shalini is a noun. In this sentence, the word Shalini is a noun. You can replace Shalini with a group of words, a phrase, and say I met your sister. तो your sister यहाँ पे कौन है, Shalini है। तो sister noun है, यहाँ पे your और मिल गया, तो ये noun phrase हो गया। Your sister is a phrase, okay? Additional noun phrase examples, the noun phrase is in bold. Bold में है all the kids, kids noun, और ये noun phrase हो गया। Beautiful mauve dress, dress noun, और ये words noun phrase हो गया। Tasty chocolate donut, her sisters back home। तो ये क्या हुई, ये words हैं जो noun phrase बनाते हैं। Pick out the noun phrase in the following sentence। Shishir subject है, wants subject हुआ ये, Shishir verb हुई ये, और ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज। ओके, आई डिसलाइक प्लेइंग इन द हॉट सन, इन द हॉट सन। प्रोमिस मी टू कम अगेन, गॉट इट। तो ये क्या हुई, ये हुई नाउन फ्रेजेस। ओके, आपको आगे वाली ये एक्सरसाइज है, ये करनी है। अब बी एक्सरसाइज मैंने की हुई है, जरा ये भी समझ लो। Put the singular words in brackets into the their plural. Save का saves, half का halves, lose का leash, criterion का criteria, brother in law का brothers in law, compound noun नहीं। Got it? ये सारी की सारी आपने इस तरीके से करनी है, आगे तक यहाँ तक आपने यह कंप्लीट करनी है। ये आपका रिवीजन था नाउन के लिए। नाउन फ्रेजेस आज हमने देखा, इनमें से कौन सा आंसर आएगा ये आपने करना है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। ओके, हैव ए गुड डे।